क्या जमीन सर्वे के लिए अनिवार्य है वंशावली और शपथ पत्र? यहाँ जाने और किन किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? नमस्कार, मैं हूँ नेहा, स्वागत है आज के इस वीडियो में। इन दिनों बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बिहार के तकरीबन 45,000 गाँव में खासतौर पर जमीन सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। इस सर्वे में लगने वाले कुछ जरूरी दस्तावेज भी हैं, जैसे खतियान, लगान, रसीद, जमीन रजिस्ट्री आदि। पर इन दस्तावेजों में सबसे अहम दस्तावेज है वंशावली। वंशावली को लेकर लोगों के बीच शंका भी उत्पन्न हो रही है, मगर किसी भी परिस्थिति में जमीन सर्वे के लिए वंशावली देना जरूरी है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सर्वे के काम के लिए रैयतों को वंशावली के लिए किसी भी कर्मचारी के दस्तखत या फिर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। रैयतों को प्रमाण पत्र या शपथ पत्र के स्थान पर फॉर्म 3 में अपने वंशावली का जिक्र खुद ही करना है। कर्मचारी जो बंदोबस्त कार्य में लगे हुए हैं, वे खुद ही इसे सत्यापित कर लेंगे। इस काम के लिए किसी भी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र की दरकार नहीं है। इस विशेष जमीन सर्वेक्षण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई सारे निर्देश भी जारी किए हैं। इन निर्देशों में ये बताया गया है कि पहले के खतियान में जो नाम दर्ज है, उनके आगे वंशावली का जिक्र फॉर्म 3 में किया जाएगा और रैयतों द्वारा इसे स्वयं ही भरकर जमा कर दिया जाएगा। बता दें कि राजस्व एवं भूमि विभाग द्वारा ये भी स्पष्ट किया जा चुका है कि भूमि सर्वेक्षण के लिए खतियान की मूल प्रतिलिपि भी लगाने की जरूरत नहीं है। रैयत केवल खुद के स्वामित्व वाली जमीन का जिक्र करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने कहा कि राज्य के सभी गाँव में तेज रफ्तार से ग्राम सभा को आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से रैयतों से फॉर्म लिए जा रहे हैं और साथ में उन्हें सत्यापित भी किया जा रहा है। बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने यह भी बताया कि जमीन से संबंधित राजस्व रसीद की अद्यतन प्रति ना रहने के बावजूद भी जमीन सर्वेक्षण में रैयतों का नाम शामिल किया जाएगा तथा उनकी जमीन या प्रॉपर्टी को रसीद के बगैर खारिज नहीं किया जाएगा।